हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हो रहा था इफ्तार का टाइम होने वाला था और आज मैं इफ्तार में बना रही थी पोटैटो स्माइली। तो उसके लिए अम्मी ने आलू भिगो दिए थे और मैं यहाँ पे आलू को छील रही थी। सारे आलू छीलने के बाद उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से मैश कर लिया और फिर उसमें अम्मी ने कॉर्नफ्लोर, नमक, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच नमक डाला था। आप चाहे मिर्चे और कहते हैं चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने अवॉइड किया, इतना स्पाइसी नहीं है खाते हम लोग। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को इसको इतना टाइट गूंदना है, टाइट गूंदना है कि ये अच्छे तरीके से मतलब इसकी स्माइली बन जाए। और यहाँ अजवाइन और हम लोगों ने मैदा डाल के अच्छे तरीके से एक डो बना लिया था। उसके बाद हम लोगों ने इसको एक स्माइली का शेप दिया और यहाँ पे मेरे सारे स्माइली तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फ्राई किया और यहाँ पे एक स्माइली तो क्यूट लग रहा था, लेकिन फ्राई करने के बाद पता नहीं क्यों कुछ स्माइली तो सही थे लेकिन कुछ के पता नहीं क्यों शेप बेकार हो गए थे। लग ही नहीं रहा था कि वो स्माइली हैं, उनका शेप बिगड़ चुका था, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी थे तो मुझे अच्छा लगा ये बना के। और आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद यहाँ स्माइली के साथ साथ पापड़ फ्राई हो रहे थे और पकौड़ियाँ बनी थी और मोहल्ले से एक जगह से बिरयानी भी आई थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी और साथ में चना था और भी बहुत सारी डिशें आज हमारे यहाँ बनी हुई थी और साथ में कस्टर्ड भी बना था। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा था, लेकिन फिर आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में। देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।